राजस्थान का पहला ऑप्टिकल फाइबर ओएलटी का हुआ जीवंत कला में शुभारंभ। पाली जिले की ग्राम पंचायत जीवंत कला में आज रेल मंत्री जी के पैतृक गांव में भारत संसार निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में जीवंत कला में राजस्थान का पहला ऑप्टिकल फाइबर सेवा संजय कुमार मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार राजस्थान परिमंडल जयपुर, पुष्कर श्रीवास्तव महाप्रबंधक दूरसंचार जोधपुर, पंकज भंडारी महाप्रबंधक दूरसंचार जोधपुर, रेल मंत्री जी के प्रतिनिधित्व में उनके छोटे भाई आनंद प्रकाश वैष्णव के सानिध्य में भव्य शुभारंभ हुआ, जिससे क्षेत्र के लोगों को पहली ओएलटी सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसको लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ तथा कार्यक्रम में आए सभी महंगे मेहमानों का मंच की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संजय कुमार मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार राजस्थान परिमंडल जयपुर, पुष्कर श्रीवास्तव महाप्रबंधक दूरसंचार जोधपुर, पंकज भंडारी महाप्रबंधक दूरसंचार जोधपुर, सरपंच प्रियंका चौहान, मोहनलाल रासू, डीजीएम पाली किरण दास, भलाराम बोस उप सरपंच, गोर्धन सिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच मांगीलाल रतनलाल रावल, विश्वपाल सिंह मेड़तिया, विष्णु प्रकाश, हरीश सिंह जैतमाल, मांगीलाल सेन, कर्माराम चौधरी मूलचंद, गणपत बोस, गोर्धन लाल गर्ग, कृष्ण गोपाल सिंह, तेजाराम चौधरी, मोहित वैष्णव सहित भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे। बाइट संजय प्रकाश मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार राजस्थान परिमंडल जयपुर। ये किस प्रकार लोगों को मिलेगी और क्या सुविधा है? आज जीवन कला में आके रियली मैं अभिभूत हो गया हूँ। यहाँ का प्यार सम्मान देख के सच बहुत दिल खुश हुआ है। आज जो यहाँ हमने सेवा शुरू की है, ये एक हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा शुरू की है, जो कि हमारे सरकार की एक बहुत एक योजना, बहुत एम्बिशियस योजना है कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो। राजस्थान की शुरुआत आज हम जीवन कला से कर रहे हैं और इसके चालू होने के बाद यहाँ के सभी स्कूल, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक हेल्थ सेंटर में सरकार के द्वारा कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जो लोग लेना चाहते हैं हाई स्पीड कनेक्शन, उनको काफ़ी किफायती रेट पे ये कनेक्शन मिलेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो इस सेवा का उपयोग करें। आज से जीवन कला जो है वो किसी भी तरह से किसी बड़े शहर या से कम नहीं है। उसके पास सभी सुविधा अवेलेबल है जो कि वो इस सेवा के बाद कर सकता है। बीएसएनएल की सेवा काफी सस्ती और अच्छी पड़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लंबे समय तक जो समस्या थी नेटवर्क की वो रुक जाती है, तो क्या इसमें ऐसी सुविधा तो नहीं आएगी, क्योंकि लोग कनेक्शन तो खरीद लेंगे बाद में तब भी कोई असुविधा तो नहीं होगी? इस सरकार के आने के बाद बीएसएनएल की एक रिवाइवल पैकेज आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.64 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है, जिसके बाद से बीएसएनएल में एक अलग वापस से एक रिवाइवल आया है। और पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने जो सेवाएं हैं, जो कुछ कुछ हमारे कमियां थी उपकरण की, वो फिर से पुनः खरीदना शुरू कर दिया है। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब हम सभी जो सेवा में सुदृढ़ रूप से दे रहे हैं और ये एक बाधाएं जो आप पहले फील करते थे वो अब नहीं आएंगी। बिजली का बिल जमा कराना है, सब कुछ आप एक क्लिक से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी। और उसके लिए ये जो आज ओएलटी लगी है, ये एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। आज आप ये मान लीजिए कि जो विश्व के सबसे अच्छे न्यूयॉर्क, अमेरिका, जापान, वो जो तकनीक है वो तकनीक आज जीवन कला में, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और यहीं से जो इसी गांव से उपजे हैं हमारे माननीय मंत्री जी, उन्हीं का सपना था कि हर गांव गांव में ये डिजिटल कनेक्टिविटी हो। और उसी प्रोग्राम के तहत राजस्थान में आज पहला ओएलटी जो लगा है। अब मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपने इस चीज को देखा है, इसका सही उपयोग कब हो सकता है? जब हम इसका उपयोग घर घर पे करना शुरू करें। ये एक जो सरकार का प्रोग्राम है उसमें ये यूएसओ फंड एक चीज होती है, उसके तहत आप सभी लोगों को गांव में ये साल भर के लिए फ्री मिल रहा है। मतलब ये सरकार की एक योजना है कि वो ओएलटी और ये सब कुछ आपको फ्री दे रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जितने भी यहाँ परिवार हैं गांव में हैं,
आप सब एक एक कनेक्शन जरूर लें और इस कनेक्शन का सही उपयोग तब होगा जब जो हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ी है, जो हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, वो इसका उपयोग करके ज्ञान को प्राप्त करें। मैं बहुत खुश होता अगर मुझे यहाँ पे कुछ बच्चे दिखते, सिर्फ एक ही छोटा बच्चा दिख रहा है, लेकिन ये मिसिंग है। मैं शायद अगली बार आऊँ तो मैं यहाँ पे वो सीन देखूँ कि बच्चियाँ और बच्चे बैठे हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसको आप बढ़ावा दें और अपना जो भावी पीढ़ी है उसको इससे अवगत कराएं और आगे बढ़ने को प्रेरित करें, क्योंकि सच्चा भारत वही है। अगर वो लोग, जैसे आपने देखा इसी गांव से आपके पिता आनंद जी के पिताजी निकले, वो सरपंच थे, उनके बेटे दोनों आज कहां से कहां हैं, वो इसी वजह से हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कड़ी मेहनत के बाद और एक मुकाम पे पहुंचे। ये शक्ति ये हमें इंटरनेट देती है कि जब हमें इंफॉर्मेशन फ्लो होने लग जाएगा तो आज कोई डिफरेंस नहीं है। कोई आदमी अगर जयपुर में बैठा है या जोधपुर में बैठा है या जीवन कला में बैठा है, वो सब समान है, सभी को समान अवसर है। यही हमारे मोदी जी का और मंत्री जी का सपना है कि जो भी कतार में अंतिम आदमी है उस तक सभी सुविधा पहुंचे, और उसी के तहत आपको ये चीज मिल रही है। उनके काम भी और उनके सारी चीजें इतनी परफेक्ट होती हैं कि जो उन्होंने इस प्लान का नाम दिया है वो दिया है सैचुरेशन प्रोजेक्ट। एक सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत सारे गांव-गांव, जितने भी गांव पूरे भारत वर्ष में हैं, उन सबको डिजिटल कनेक्टिविटी से कनेक्ट करना है और 4G से कनेक्ट करना है। तो ये उनका सपना है जिसको भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि साल भर के अंदर दिसंबर 2023 के अंदर हर गांव में 4G का एक टावर होगा और 4G का कनेक्शन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रौड़ी बात है, डिपेंडेंट बहुत छोटी मोटी चीज जुड़ा हुआ है, या जैसे इन विषय में एक और चीज ऐड करूंगा कि रेलवे का टिकट बुकिंग का वास्ते अपने नाडोल जाना पड़े या दूसरों में डिपेंडेंट होना पड़े, जो साहब आपने आज एक बहुत बड़ो होमवर्क डाल दिया है उन्हें, आप अगर घर कार्य का हिसाब ले होता तो उन परीक्षा में सब उन्हें पास हुए ने 100 नंबर लेने साल में बनाना है वो संकल्प किया। जैसे तो इंटरनेट रो और फाइबर रो पूरा अपने उपयोग मिलेगा और बाद में आज चीज कह जाना था आपकी, हाँ जीवन कला में जो चीज शुरू हुई थी वह अटे पहुंची है, मारा भाव उन्होंने जुड़े रंग है। तो आज जो जमाबंदी हुई या जो आने वाला समय में एक शाब्दिक चीज में और ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो 4G बोलियां है, 4G और 5G ना बाद में गांव रा समीकरण मापदंड सोचना सारा तरीका में बहुत बड़ो बदलाव आ जाएगा। आपने गांव में बैठा बैठा वो कतई नहीं लगेगा कि मैं इन चीज रहा हूँ तो शहर में या आज चीज शहर में है और अटे नहीं है। सिर्फ आप में एक हाथ जोड़ने विनती है कि आप सोचना जो तरीको है या इन्हें काम लेना जो तरीको है उनमें जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जो हमेशा कहते हैं अंत्योदय की भावना से अपने को काम करना है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसके बिना रिजल्ट नहीं आ सकता। तो आज के बाद में ये संकल्प ले लें कि अपने को साथ में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है, उस प्लेटफॉर्म को यूज